जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में आज के स्टूडियो में बात करने वाले हूँ देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं उनकी देवेंद्र नाथ टैगोर बेसिकली रविन्द्राथ टैगोर के पिता थे रविन्द्र नाथ टैगोर वही जिन्होंने जनगण मन लिखी है देवेंद्र नाथ टैगोर बेसिकली अठारह से लेकर के उन्नीस ईस्वी के बीच का अंतराल उनके पूरे जीवन का सार दिया गया तत्वबोधि सभा में वो पहले काम करते थे सुधारक के रूप में तत्वबोधि सभा बेसिकली एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से लोग राजा राम मोहन राय के द्वारा दिए गए रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करते थे और इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर होते थे उसमें लेकिन उसके बाद उन्होंने अठारह ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए और इनके अंदर इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही अच्छा समन्वय था इनका भी सेम ओपिनियन था जिस तरह से राजा राम मोहन राय का था ये भी वही सोचते थे जो राजा राम मोहन राय सोचते थे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि भारतीयों के अंदर जो भी चाहे वो धार्मिक बुराई हो सामाजिक बुराई हो उन सभी को ख़त्म करने के लिए कहीं कही ना कहीं हमें थोड़ी बहुत वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ भारतीय जितने भी भारतीय संस्कृति है उन सभी को छोड़ना भी बुरी बात है क्योंकि हमें भारतीय संस्कृतियों के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति को भी मिला करके चलना ताकि हम भारत में एकता कायम कर सकें इनके साथ साथ काफ़ी टाइम बाद ईश्वरचंद विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे सुधारक भी जुड़ने लगे हिंदू धर्म में इनका जो मेन मकसद था वो था बेसिकली हिंदू धर्म में सुधार वेस्टर्न कल्चर और जितनी भी बुराइय थी उन सारी चीज़ों से बचना लोगों को बचाना और इनका एक और भी मकसद था वो था जितने भी ईसाई कर्मकांड कर्म कर्मकांड हो रहे हैं जो कि ईसाई मिशनरी वगैरह बताते थे कि हिंदू हिंदू धर्म के लोगों को किस तरह से ईसाई में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस चीज़ से बचाने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त की और उन्हें उनका लग, फल भी मिला ठीक है तो ईसाई कर्मकांडों की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते थे, थे। कई बार तो वो मोहब्बत से अपना समझाने की कोशिश करते थे कई बार वो लाठी डंडों की मदद से भी समझाने की कोशिश करते थे जिस चीज़ में देवेंद्र नाथ टैगोर ने बहुत हेल्प किया भारतीयों को इन कर्म कांडों से दूर रखने के लिए तो बस आज के वीडियो में कुछ खास था नहीं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर तो जय हिंद वंदे मातरम